हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल मंदिर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे। ये जो पेपर है वो 5 जनवरी 2019 को हुआ था, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फ्यूडल सोसाइटी नामक पुस्तक का लेखक कौन था? इसके ऑप्शंस हैं हेनरी पिरेन, मार्क ब्लोक, कार्ल मार्क्स, फर्डिनेंड ब्रोडल। तो ये जो फ्यूडल सोसाइटी है, इस पुस्तक का जो लेखक था वो था मार्क ब्लोक, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, यूरोपीय सामंतवाद में बहुसंख्यक थे, मैनर, सामंत, अधीन कृषक, व्यापारी। तो अधीन कृषक जो है वो बहुसंख्यक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिटलर सत्ता में कैसे आया? विद्रोह से, षड्यंत्र द्वारा, युद्ध विजय के परिणाम स्वरूप, चुनाव से। तो चुनाव से जो है वो हिटलर सत्ता में आया था। नेक्स्ट है, संसदीय लोकतंत्र के उद्भव का श्रेय किस यूरोपीय देश को दिया जाता है? फ्रांस, इंग्लैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी। तो संसदीय लोकतंत्र के उद्भव का श्रेय जो दिया जाता है वो दिया जाता है इंग्लैंड को, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक समाजवाद किससे संबंध किया जाता है? कार्ल मार्क्स, चार्ल्स फोरियर, रॉबर्ट ओवन, लुई ब्लोक। तो कार्ल मार्क्स से जो है वो संबंध किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सम्मेलन से हम शक्ति संतुलन का सिद्धांत संबंध करते हैं? बर्लिन का सम्मेलन, ट्रपाऊ का सम्मेलन, वियना का सम्मेलन, वसई का सम्मेलन। तो वियना का सम्मेलन से जो है वो हम शक्ति संतुलन का सिद्धांत संबंध करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित महाद्वीपों में से कौन एक शीत युद्ध के केंद्र में था? यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका। तो यूरोप जो है वो शीत युद्ध के केंद्र में था, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने कहा था, इतिहास विज्ञान है, न कम है न अधिक? हेरोडोटस, कार्ल मार्क्स, लॉर्ड एक्टन, जेबी ब्यूरी। तो जेबी ब्यूरी ने जो है वो उक्त कथन कहा था, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, दिल्ली के किस सुल्तान ने सर्वाधिक मंगोल आक्रमणों का सामना किया था? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। अलाउद्दीन खिलजी ने जो है वो सर्वाधिक मंगोल आक्रमणों का सामना किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित है? इब्न बतूता, किताबुल रेहला, यही जो है वो सुमेलित है। जियाउद्दीन बरनी, तबकात नासिरी, ये सुमेलित नहीं है। अबुल फजल, मुंतकब उत्तवारिक, ये भी नहीं है। दारा सिको, शाहजहानामा, ये भी नहीं है। तो ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने चांदी का टंका तथा तांबे का जितल मौलिक सिक्कों के रूप में प्रचलित किया था? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोजा तुगलक। तो इल्तुतमिश ने जो है वो चांदी का टंका तथा तांबे का जितल मौलिक सिक्कों के रूप में प्रचलित किया था। नेक्स्ट है, कृषकों के कल्याण के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोदी, शेरशाह है। तो शेरशाह सूरी ने जो है वो ये व्यवस्था प्रारंभ की थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से पुष्टि मार्ग की स्थापना किसने की थी? चैतन्य, वल्लभाचार्य, रामानंद, निम्बार्क। वल्लभाचार्य ने जो है वो पुष्टि मार्ग की स्थापना की थी। किस मुगलकालीन अधिकारी को लेखा परीक्षक अर्थात ऑडिटर जनरल कहा जाता था? मुशरिफ ए मुमालिक, मीर सामा, वकील ए मुतलक, मुस्तोफ ए मुमालिक। तो मुस्तोफ ए मुमालिक को जो है वो लेखा परीक्षक कहा जाता था। नेक्स्ट है, पच्चीकारी या पिट्रा ड्यूरा जो स्थापत्य कला का एक चारित्रिक विशिष्ट लक्षण है, वह भारत में सर्वप्रथम प्रयुक्त हुआ था? बाबर के शासनकाल में, हुमायूं के शासनकाल में, अकबर के शासनकाल में, जहांगीर के शासनकाल में। तो जहांगीर के शासनकाल में जो है वो प्रयुक्त हुआ था। अगला है, मंसूर प्रसिद्ध दरबारी चित्रकार था, मुगल बादशाह हुमायूं का, अकबर का, जहांगीर का, शाहजहां का। तो जहांगीर का जो है वो दरबारी चित्रकार था, मंसूर। अगला है, 1945 के शिमला सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया गया था? मौलाना आजाद द्वारा, जवाहरलाल नेहरू द्वारा, वल्लभ भाई पटेल द्वारा, सर तेज बहादुर सप्रू द्वारा। तो मौलाना आजाद द्वारा जो है वो नेतृत्व किया गया था, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन 1961 में संपन्न हुआ था, वियना में,
कायरो में, बेलग्रेड में, डर्बन में, तो बेलग्रेड में जो है वो ये संपन्न हुआ था। नेक्स्ट है, वर्ष 1739 में मराठों ने सालसेट एवं बेसिन पर कब्जा किया था, डच से, अंग्रेज से, फ्रांसीसियों से, पुर्तगालियों से, पुर्तगालियों से किया था, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, दो भक्ति काल का संत जिनके पास विभिन्न जातियों के 12 शिष्य थे, वे थे रामानंद, सूरदास, कबीर, वल्लभाचार्य, तो वे रामानंद थे, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, किस अधिकार पत्र अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का चीन के साथ व्यापार एवं चाय व्यापार पर एकाधिकार बना रहा था? 1793 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट और 1853 का चार्टर एक्ट। तो 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी का चीन के साथ व्यापार और चाय व्यापार पर एकाधिकार बना रहा था। नेक्स्ट है, भारत में सती प्रथा को समाप्त करने में किसकी प्रमुख भूमिका थी? स्वामी विवेकानंद, स्वामी सहजानंद, राजा राममोहन राय, लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो इस क्वेश्चन के जो हैं वो ऑप्शन सी, राजा राममोहन राय और लॉर्ड विलियम बेंटिक, ये दोनों ही ऑप्शन जो है वो आयोग ने सही माने हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गदर पार्टी का नेता कौन था? सरदार भगत सिंह, लाला हरदयाल, वी डी सावरकर, बी जी तिलक। तो लाला हरदयाल जो है वो गदर पार्टी के नेता थे। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के संस्थापक कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, बलिराम केशव राव हेडगेवर, अटल बिहारी वाजपेयी। तो RSS के जो संस्थापक थे वो थे बलिराम केशव राव हेडगेवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन अपने उपनाम लोकहितवादी से प्रसिद्ध हुआ था? गोपाल हरिदेशमुख, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, दादाभाई नौरोजी। गोपाल हरिदेशमुख जो है वो लोकहितवादी के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। नेक्स्ट है, भारतीय प्रेस को 1835 में प्रतिबंध से मुक्त किया था, लॉर्ड मैकाले ने, लॉर्ड होल्डिंग्स ने, लॉर्ड चार्ल्स मेटकाफ ने और लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। तो लॉर्ड चार्ल्स मेटकाफ ने जो है वो मुक्त किया था, ऑप्शन सी। कोवासजी नाना भाई ने 1853 में सर्वप्रथम वस्त्र उद्योग लगाई थी, कलकत्ता में, सूरत में, ढाका में, बॉम्बे में। तो बॉम्बे में जो है वो लगाई थी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, प्रथम अखिल भारतीय किसान संगठन ऑल इंडिया किसान सभा 1936 में जिसके नेतृत्व में गठित की गई थी वे थे बी जी तिलक, स्वामी सहजानंद सरस्वती, एम के गांधी, सुभाष चंद्र बोस। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती थे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, इंग्लैंड में पढ़ने वाले गुट का नेतृत्व करते हुए किसने 1933 में एक पृथक मुस्लिम राज्य पाकिस्तान का प्रस्ताव दिया था? मोहम्मद अली जिन्ना, सिकंदर हयात, चौधरी रहमत अली, लियाकत अली खां। चौधरी रहमत अली ने जो है वो ये प्रस्ताव दिया था। नेक्स्ट है, किस कर्नाटक युद्ध को सेंट थॉम के युद्ध के रूप में स्मरण किया जाता है? प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, तृतीय कर्नाटक युद्ध, उपर्युक्त में से कोई नहीं। प्रथम कर्नाटक युद्ध को जो है वो सेंट थॉम के युद्ध के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने कहा था शेर की तरह एक दिन का जीना अधिक अच्छा है बकरा की भांति पूरी उम्र जीने से? हैदर अली ने, नाना साहब ने, टीपू सुल्तान ने, सिराजुद्दीन सिराजुद्दौला ने। तो टीपू सुल्तान ने जो है वो ये कथन कहे थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से ब्रिटिश काल में किसे स्थानीय स्वशासन का मुख्य सुधारक माना जाता है? लॉर्ड लिपन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड लिपन को जो है वो स्थानीय स्वशासन का मुख्य सुधारक माना जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने चार परिधीय न्यायालयों को आरंभ किया जिनमें बंगाल और एक बिहार के लिए था? वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कार्नवालिस, विलियम बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड कार्नवालिस ने जो है वो आरंभ किया था, ऑप्शन बी। स्वतंत्र भारत के प्रथम आम चुनाव में कितने प्रतिशत योग्य मताधिकारियों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था? तो ये क्वेश्चन जो है वो आयोग के द्वारा डिलीट कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि थी? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी वो थी, ऑप्शन डी, 1956 से 1961।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जल परिवहन या नदियों के आवागमन के प्रबंध के लिए मुगल प्रांतों या सूबों में उत्तरदायी था? प्रांतीय बख्शी, मीर बहर, वाकियानवीस, प्रांतीय दीवान। तो मीर बहर जो है वो उत्तरदायी था, ऑप्शन बी। अगला है, मध्यकालीन भारत में पहली बार गैर मुस्लिमों को सरकारी नौकरियों में प्रवेश मिला था? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में, जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल में, गयासुद्दीन तुगलक के शासनकाल में, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में जो है वो उन्हें प्रवेश मिला था, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित दिल्ली सुल्तानों में से किसने सांकेतिक मुद्रा प्रारंभ की थी? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोदी। मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है वो सांकेतिक मुद्रा प्रारंभ की थी। नेक्स्ट है, मराठों के अधीन जमींदारी व्यवस्था को कहते थे? मोकासा, देशमुखी, मीरासदारी, अष्टप्रधानी। तो देशमुखी ऑप्शन बी और मीरासदारी ऑप्शन सी, ये दोनों ही आंसर जो है वो आयोग ने सही माने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब द्वारा संगीत प्रतिबंधित करने की सूचना हमें मिलती है साकी मुस्तैद खां से, काजिम सिराजी से, मनुसी से, मनुकी से और बर्नियर से। तो इस क्वेश्चन के भी जो है वो ऑप्शन ए, साकी मुस्तैद खां और मनुकी, ये दोनों ही ऑप्शन जो है वो आयोग ने सही माने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रज्मनामा फारसी अनुवाद है, पंचतंत्र का, रामायण का, महाभारत का, कथा सरित सागर का। तो ये महाभारत का फारसी अनुवाद है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, जौनपुर में सर की राज्य स्थापित किया गया था? अहमदुल्ला मोहम्मद शाह ने, अबू बकर शाह ने, मलिक सरवर ने, मलिक मुबारक ने। तो मलिक सरवर ने जो है वो स्थापित किया था, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, उपनिषदों का फारसी अनुवाद किया था? फैजी ने, अबुल फजल ने, बदायूनी ने, दारा सिकोह ने। दारा सिकोह ने जो है वो उपनिषदों का फारसी अनुवाद किया था, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, 1773 में रेगुलेटिंग अधिनियम के पारित किए जाने के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? रॉबर्ट वॉलपोल, स्पेंसर कॉम्पटन, फ्रेडरिक नॉर्थ, विलियम कैवेंडिश। तो वो था उस टाइम का जो प्रधानमंत्री था वो था फ्रेडरिक नॉर्थ, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वैधानिक प्रशासनिक सेवा किसने और कब स्थापित की थी? 1858 में लॉर्ड कैनिंग ने, 1861 में लॉर्ड एल्गिन ने, 1879 में लॉर्ड लिटन ने और 1882 में लॉर्ड रिपन ने। तो ये प्रारंभ की थी 1879 में लॉर्ड लिटन ने, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, ब्रिटिश भारतीय सेना में निम्नलिखित में से किसने सर्वाधिक सुधारों को आरंभ किया था? एच एच किचनर ने, क्लोड अचिनलेक ने, ट्रेवर ऑस्टिन ने, टॉमस हेनरी ने। तो एच एच किचनर ने जो है वो ऑप्शन ए, सर्वाधिक सुधारों को आरंभ किया था। 1927 में अखिल भारतीय नारी सम्मेलन की स्थापना किसने की थी? सावित्रीबाई फूले, मार्गरेट कजिन्स, कमला नेहरू, कैथरीन मेयो। मार्गरेट कजिन्स ने जो है वो भारतीय नारी सम्मेलन की स्थापना की थी। अगला है, हूल नामक आंदोलन से 19वीं शताब्दी की कौन सी जनजाति संबंधित है? मुंडा, संथाल, कोल, टोडा। तो संथाल जनजाति जो है वो उससे संबंधित है। निम्नलिखित में से किसे 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना से संबंध नहीं था? भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, लाला हरदयाल, सुखदेव थापर। तो जो लाला हरदयाल है वो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से संबंधित नहीं थे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस समाजवादी दल से संबंधित नहीं था? जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, मानवेंद्र नाथ रॉय, अच्युत पटवर्धन। तो मानवेंद्र नाथ रॉय जो है वो इससे संबंधित नहीं था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस दर्शन ने बंगाल के स्थायी बंदोबस्त 1793 को प्रभावित किया था? विग विचारधारा दर्शन ने, उपयोगितावाद, परिणयवाद, वाणिज्यवाद। तो विग विचारधारा दर्शन ने जो है वो इसे प्रभावित किया था। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने मात्र एक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की, वह स्थान था काकीनाडा, बेलगांव, कानपुर, गोवाहाटी।
तो बेलगांव की अध्यक्षता जो है वो महात्मा गांधी ने की थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर जनरल पुलिस सुधारों के लिए जाना जाता है? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड कर्जन जो है वो पुलिस सुधारों के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ही जिस मुस्लिम संगठन ने मुस्लिमों को राजनीति में भागीदारी के साथ साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ समझौते पर प्रयास करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, वह थे मुस्लिम लीग, अहमदिया आंदोलन, अहरार लीग, देवबंद आंदोलन। तो ये क्वेश्चन भी जो है वो आयोग के द्वारा डिलीट कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में महिला आंदोलन का शुभारंभ मुख्यतः किसके नेतृत्व में हुआ था? सरोजिनी नायडू, श्रीमती एनी बेसेंट, रमाबाई रानाडे, हीराबाई टाटा। तो रमाबाई रानाडे जो है वो उनके नेतृत्व में हुआ था, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, देश प्रेम धर्म है तथा धर्म है भारत के प्रति प्रेम, निम्नलिखित में से यह कथन किसका है? स्वामी विवेकानंद, राज नारायण बोस, बंकिम चंद्र चटर्जी, बाल गंगाधर तिलक। तो बंकिम चंद्र चटर्जी का जो है वो ये कथन है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, किसानों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए अपने जीवन का बलिदान करने वाली किसानों की सर्वाधिक निर्भीक तथा साहसी महिला थी? अंबिका चक्रवर्ती, स्नेहलता वाडेकर, वीरा गुनम्मा, प्रीतिलता वाडेकर। तो वीरा गुनम्मा जो है वो महिला थी। नेक्स्ट है, 19वीं शताब्दी के बंगाल के मध्यम वर्ग की केंद्रीय संरचना में थे व्यापारी, साहूकार, जमींदार, पेशेवर समूह। तो जमींदार जो है वो थे। नेक्स्ट है, 1834 में किसने कहा था कि सूती वस्त्र बुनकरों के कंकाल भारत के मैदानों को बदरंग कर रहे हैं? राजा राममोहन राय ने, विलियम बेंटिक ने, दादा भाई नौरोजी, आरसी दत्त। तो ये कहा था विलियम बेंटिक ने, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, इंद्र नारायण द्विवेदी जिन्होंने संयुक्त प्रांत को किसान सभा का गठन किया था, मूलतः अनुयायी थे मदन मोहन मालवीय के, महात्मा गांधी के, सहजानंद सरस्वती के, आचार्य नरेंद्र देव के। तो वो अनुयायी थे मदन मोहन मालवीय के, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, किस वर्ष में पश्चिमी तट पर महाप्रांतीय मुख्यालय सूरत से बॉम्बे स्थानांतरित हुआ था? ये हुआ था 1687 ईस्वी में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, कलकत्ता की स्थापना से पूर्व बंगाल में अंग्रेजों की सर्वाधिक बड़ी बस्ती कौन सी थी? कासिम बाजार, चटगांव, हुगली, मुर्शिदाबाद। तो हुगली जो है वो अंग्रेजों की सबसे बड़ी बस्ती थी। नेक्स्ट है, दहशाला व्यवस्था में इलाही पंचांग के किन वर्षों के राजस्व को सम्मिलित किया जाता है? 15वें से 24वें, 16वें से 25वें, 17वें से 26वें और 18वें से 27वें। तो सम्मिलित किया जाता है जिनको, वो है 16वें से 25वें, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी नहीं होगा इसका, ऑप्शन ए, 15वें से 24वें। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तीर्थयात्रा कर प्रतिबंध 1563 सही सम्मिलित है, जजिया की समाप्ति 1565 ये जो है वो सही सम्मिलित नहीं है, इबादत खाना की स्थापना 1575 सही है, महजर की उद्घोषणा 1579 ये भी सही है। ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने संतों की जीवनियों के संकलन वाले भक्तमाल की रचना की? नंददास, नाभादास, कुंभन, रूप गोस्वामी। ये की थी नाभादास ने, ऑप्शन बी। इसी के साथ जो है हमारा पेपर कंप्लीट होता है। धन्यवाद।